हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल एल ई डी और गेमर में। आज लोग फिर से खेलने जा रहे हैं लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। कई जगह आज मैं आपके लिए एक और न्यू बेस लेकर आया हूँ। ये है अपना सोलो या डू कह सकते हो। ये पर्सनली सोलो के लिए बनाया गया है। और अगर आप न्यू प्लेयर हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी और मैं बहुत सारी बातें न्यू बताऊँगा। और आप देख लो, कुछ इस टाइप का बेस है आज जिसको आज हम बनाएंगे। इसके अंदर कैबिनेट है, वो भी एक हाइड किया हुआ है यहाँ पर, उसको कोई दूसरा एनिमी नहीं देख सकता है। देख लो, ये बेस एकदम न्यू बेस है। इसके अंदर काफ़ी सेफ्टी वगैरह सब कुछ है और पर्सनली लूट के लिए अलग रूम भी है। सब कुछ एकदम न्यू है। तो अगर आप न्यू प्लेयर हो तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारी बातें समझ में आई। मैं न्यू बताऊंगा और न्यू बेस बनाने के न्यू स्टाइल वगैरह वो भी सीखूंगा। देखो, जितना मैं लगा रहा हूँ इतना बेसल लगाना है जमीन से ऊपर। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ज़्यादा ऊपर लगा लो, इतना ऊपर लगाना है। और आपको पहले 3x3 का बना लेना है, जैसे कि मैंने बनाया 3x3 का। ये अपना बेस है, वो 3x3 का ही है। बाद में चारों ओर से ऐसे वॉल को पैक करना है, एक साइड डोर। देखो, जहाँ पर मैं कैबिनेट लगा रहा हूँ यहाँ पर पहले आपको कैबिनेट लगा लेना है, बाद में सामने वॉल लगा लेनी है और पीछे से कैबिनेट को रोटेट करना है। हाँ, ऐसे रोटेट। और उस साइड से वैसे लगा भी लेंगे रूल, ताकि एक साइड कवर रहे हमारा। यहाँ से वॉल लगा लेंगे, यहाँ पर डोर, यहाँ पर वापस डोर और एकदम मेन डोर। अब इसके अंदर सेफ्टी वगैरह वो भी करेंगे। डोर अपना इतना ऊपर लगेगा और यहाँ से हम ये ऐसे बड़ा बेस लगाएंगे। अब पहले करेंगे हम डबल डोर। मतलब अभी हमारा सिंगल डोर है, उसको डबल डोर करना है, वो हमें डबल करेंगे। अभी आपको 8 बेस लगाने हैं ऐसे, और बाद में सभी के सभी तोड़ देने हैं। एक जो पीछे वाला है वो रखना है, बाकी सब तोड़ देने हैं। जैसे कि डबल वॉल करनी है तो ऐसे की जाती है। देख लो, किसी न्यू भाई है उनको पता नहीं है कि डबल वॉल कैसे लगाई जाती है, तो वो ऐसे लगाई जाती है। ये हो गई अपनी डबल वॉल। एक साइड से डबल वॉल हो गई अपनी, अभी दूसरी साइड से करेंगे। यहाँ से ही सेम टू सेम बेसल लगाते जाना है। आठ लगाना है और बाद में जो पीछे वाले 7 है वो उनको तोड़ देना है। आपको पहले से तोड़ना शुरू करना है, ऐसे नहीं कि बीच में से तोड़ो। और बाद में आपको ट्रायंगल लगाते आना है। इसी तरह हमको चारों ओर से डबल वॉल करनी है। डबल वॉल करने से हमारा बहुत सारा फायदा होता है, कम स्पेस में अपनी डबल सिक्योरिटी हो जाती है। मैं आपको ट्रिपल वॉल है वो भी करना सिखाऊंगा, पर थोड़ा आप सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो सिखा दूंगा। आने वाले सभी वीडियो पूरा देखना, किसी एक वीडियो में होगा मेरा ट्रिपल वॉल वाला। वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। सेम टू सेम वैसे के वैसे ही करना है अभी। बाद में तोड़ देना सभी।
और वापस वहां से ट्रायंगल लगाते आना है। सोलो के लिए बेस्ट बेस है समझ लो। मैंने बहुत सारे बेस की वीडियो डाली है, ये देख लो और दूसरे वाले वीडियो वो भी देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी देख लेना। वो भी काफ़ी न्यू न्यू बेस है, बहुत ही स्टाइलिश बेस है। वो 2x2 के हैं और ये अपना 3x3 का है, इतना फर्क है बस। अब इसी तरह से ले लगा देना है। ट्रायंगल है वो पीछे वाले से भी नहीं तोड़ना है, जो पीछे वाला एक है उसको रखना है और बाद में उसके पास ऐसे लगा देना है। देखो इसके बीच में अभी जगह है, अभी यहाँ पर डबल वॉल हो गया अपना, यहाँ पर होगा अपना डोर, तो वो ये हो गया अपना कभी जमीन के अंदर हो गया अंडरग्राउंड। ऊपर सीलिंग लगा लो। देखो कैबिनेट मैंने यहाँ पर लगाया, आप दूसरी जगह भी लगा सकते हो, इस कोने को छोड़कर दूसरे कोने में भी। पर लगाना इसी टाइप से जैसे मैंने लगाया है। ऊपर से हमको फुल सेफ्टी करनी है। अपना ऊपर से सीलिंग से पूरा कवर हो गया है, अभी इससे ऊपर है उसको भी सीलिंग से कवर करना है। आप अगर आपको लगता है कि ऊपर से भी और सेफ्टी होनी चाहिए तो ऊपर ऐसे आप वो लगा करके आगे ऊपर और भी सेफ्टी कर सकते हो। न्यू प्लेयर है उनको क्या है बेस बनाना आता नहीं है, तो उनके लिए मैं ये पर्सनली वीडियो लेता हूँ। ये हो गया बेस, अभी हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल वॉल की देख लो, अभी अपनी पीछे वॉल है, यहाँ पर भी वॉल लग रही है क्योंकि हमने ऐसे ट्रायंगल है वो वहाँ से ऐसे लगे तभी, और यहाँ पर एक डोर और लग गया। इसी तरह हमको चारों ओर डबल वॉल कर देंगे, हमें बाद में इसको कवर करना पूरा। इसमें इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो और बीच में अपना डोर लगा लेना सभी। और इस साइड से भी अपने को पूरा कवर कर लेना है। मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी आपको क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। और पीछे की साइड से भी आपको इसी तरह कर लेना है।
बाद में ऐसे नीचे वाले को फेंक लेना ट्रायंगल सीलिंग से। इसको ऐसे भी पूरा पैक करना है। ये अपना बेस है वो कंप्लीट हो चुका है, देख लो अभी इसको पूरा अपग्रेड कर लो। और जैसा कि मैंने बताया था वैसा का वैसा हो गया। उसके अंदर जैसे मैंने लूट पहले शिफ्ट किया था वैसे के वैसे आप लूट शिफ्ट कर सकते हो। मैं भी लूट शिफ्ट करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। मैं बीच में से कट कर रहा हूँ और वापस आपको पूरा रिप्ले कर रहा हूँ कि कैसा कैसा। यहाँ से डोर है और यहाँ पर है डबल डोर अपने। और बाद में यहाँ पर नीचे सीधे जाते ही फर्नेस आएंगे बहुत सारे। और यहाँ पर अपना वर्क बेंच और ये सामने अपने स्टोरेज। यहाँ पर कैबिनेट होगा, कैबिनेट के पास जैसे कि देखो मैंने लगाया है। ऐसे ऐसे आप अपना लूट को पूरा शिफ्ट कर सकते हो सही ढंग से। जो बेस में होती है वो सारी आइटम मैंने यहाँ पर लगा लिए। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, इस वाले में नहीं।